बदाम पनीर वाली मक्खी हाथ ऊपर, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। नकाब ने बॉल को उठाया और पास किया नकाब को, नकाब ने उसे पकड़ा और लंबा पास दिया नकाब को, नकाब उसके पीछे भाग रहा है, उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है, कैच किया फिसल गया, कैच किया फिसल गया, कैच किया फिसल गया, वाह क्या गेम है। शायद मेरी इस पेशकश में आपको दिलचस्पी होगी। अभी नहीं, मुझे अभी बहुत सारे चलो चलो जल्दी, मैंने बहुत दिनों से पतंग नहीं उड़ाई। आपकी यात्रा सुखद रहे, बाय 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 बाय। बच्चाओं मिसेस पनीर वाली, पर प्लीज 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 आप मुझे अपनी खट्टी आंखों से घूरो मत, क्योंकि ना आपसे लड़ लड़ कर मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि आपकी ताकत मुझे पनीर कोरमा बना जाएगी। ओह अच्छा, तुम्हारी बिल्ली तुम्हें को अपनी सही जगह पे छोड़ के आता हूँ। तो अब मैं पटाऊंगा सचिन के गर्लफ्रेंड को। सामने, मैंने कहा था कि मेरी भतीजी को जल्दी घर वापस ले आना। ठहरो, मैं तुम्हें देख लूंगी। ऐसी हालत में क्यों ना सचिन को भी लड़की को बचाने का क्रेडिट दे दे। हाँ जय मिल, ये तो तुम हो। अरे हाँ, मैं ही तो हूँ सचिन, तुम्हें किसका इंतजार था? हाँ नहीं किसी का नहीं। वैसे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? वो तो एक बड़ी ही लंबी कहानी है। तो क्या ख्याल है नाश्ते पर सुनाओगे ये कहानी? मुझे अचानक ही गर्मा गर्म पनीर पकौड़े खाने का मन कर रहा है।